हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। अच्छा गाइस, यू नो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट लॉट ऑफ वीडियोस। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ना, बिकॉज आई एम बिजी विद लिटिल ऑफ माय ऑफिस वर्क, तो उस चक्कर में आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोस मोर ऑफनली। बट ठीक है, ऐसे ही कभी ना कभी टाइम निकला तो ऐसे पकड़ के कैमरा पकड़ के शूट कर लेने का। ठीक है, सो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट एचआर एंड ऑपरेशंस का वीडियो। ठीक है, इसके अलावा आई विल बी एडिंग मोर वीडियोस ऑन द यू नो जो आपका एक सिलेबस होता है आईबीएस का, वो सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको मार्केटिंग फाइनेंस की वीडियोस बना के बता रहा हूँ, सो आई विल ऑल्सो डू दैट फॉर दीज वीडियोस, जहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में प्रिपेयर क्या करना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, आई विल बी स्टार्टिंग न्यू वीडियो सीरीज। ठीक है, जहां पे आई विल बी पोस्टिंग अबाउट ऑल द कॉलेजेस विच आर अपार्ट फ्रॉम आईबीएस एंड बेटर देन आईबीएस। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू इज बेसिकली लुकिंग इन टू दैट कॉलेज, ठीक है, जिसको आईबीएस नहीं आना, किसी को कहीं और जाना है, ठीक है, तो यू पीपल कैन एक्चुअली वॉच वॉच दैट वीडियो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एचआर। सी गाइस, एचआर का क्या ना, मैं पहले भी बोल चुका हूँ एंड कहीं ना कहीं इट्स लाइक आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ हेवी हार्ट। एचआर वाले अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो गया, उनका प्लेसमेंट होता है, होता जरूर है, लेकिन ये प्लेसमेंट आपका कब तक होगा यू हैव नो आइडिया। ठीक है, कभी कभी एचआर कंपनीज बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स लेकर आती है, कभी कभी बहुत कम वैकेंसी लेकर आती है। ठीक है, कभी कभी आपका टाइमली होता भी है और कभी कभी आपका एडमिशन टाइमली नहीं भी होता। ठीक है, सो एचआर में पीपल डू सफर। ठीक है, एचआर इज प्रीडोमिनेंटली इट्स अ फीमेल डोमेन, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, जहां पे मेजर कंपनीज, बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स, वॉट एवर इट इज, ठीक है, दीज पीपल ओनली नीड विमेन टू टेक ऑन दिस डिपार्टमेंट, जो भी इनका ये चलता है यहाँ पे। ठीक है, सो बट इसमें ये नहीं है कि इसमें आपको लड़के नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली लड़के भी मिलते हैं, बट अगेन द क्वान्टिटी एंड दैट रेशियो इज लिटिल लेस एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फीमेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। सो आईबीएस के आप किसी भी कॉलेज में जाओ, ओप्स पैर कहीं लग गया मेरा, बट ठीक है। हाँ, आईबीएस के आप किसी भी कॉलेज में जाओ, ठीक है, इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोग सीरियस हो, ठीक है, आपको एचआर ही करना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस, कि ऐसा भी कुछ लोग होते हैं ना कि यार हम लोग अंदर जाके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, एक साल में या दो साल में समझ में आ जाएगा कि एचआर ही करनी थी, कि हमें फाइनेंस करना था, कि मार्केटिंग करनी थी। ठीक है, बट इफ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एचआर, आपको एचआर ही करना है, सो गाइस आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वाले कॉलेज में चले जाओ, दैट इज टिस, TISS, सुन रखा हो आप लोगों ने, मुंबई में ये कॉलेज है, बिकॉज दिस कॉलेज इज बेसिकली फेमस फॉर एचआर। एंड मैंने जितना भी देखा ना अपने कंपनी में भी एचआर के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। एचआर करनी है तो TISS बेस्ट कॉलेज है, मुंबई में है ये कॉलेज, मुंबई या नवी मुंबई की तरफ कहीं होगा। ठीक है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड डिग्री इन दिस एचआर डोमेन। बट एनी वे, कमिंग बैक टू योर आईबीएस, ठीक है, आईबीएस में अनफॉर्चुनेटली एचआर इज नॉट अ बिग थिंग, पहले क्लियर कर रहा हूं, कोई बाद में ये नहीं बोले कि आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं बताया था। एचआर एंड ऑपरेशन, अनफॉर्चुनेटली दीज टू थिंग्स आर नॉट वेरी बिग थिंग। सो एचआर कर रहे हो, ठीक है, करो, ठीक है, मन है तुम्हारा, करो, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टेक अ यू नो मेजर माइनर कर लो, माइनर में एचआर डाल दो एंड मेजर में कोई मार्केटिंग या फाइनेंस ऐसी चीज को डाल दो, ठीक है, ताकि यू स्टिल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपने अपना मन का भी कर लिया जो एचआर में आपका इच्छा था, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और आपने फाइनेंस और यू नो मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स लेके आपने अपनी पॉसिबिलिटी, जॉब पॉसिबिलिटी भी बहुत बड़ी कर ली। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। बट अगेन, आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सिर्फ एचआर ही करनी है, ठीक है, एचआर के लिए ये वीडियो आ गई है। सो एचआर में आप क्या कर सकते हो कि इफ यू वॉन्ट टू टोटली गेट इन टू एचआर, ठीक है, सो एचआर में एक तो सब्जेक्ट्स थोड़े वाइजली चूज करना, ठीक है, आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे टैलेंट मैनेजमेंट एक्विजिशन करके एक सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बाय द वे, ठीक है, ये इलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है बहुत जल्दी अगर आप इस तरह के इलेक्टिव चूज करने का सोच रहे हो इन योर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, सो यू कैन गेट इन टू दिस। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी सारे कोर्सेज की एक लिस्ट दे दूंगा मैं, ठीक है, ऑल दोज इलेक्टिव्स ओनली फॉर एचआर पीपल। ठीक है, यू गो थ्रू दैट एचआर का लिस्ट, दो सब्जेक्ट में आपको दे रहा हूँ, यू गो थ्रू दैट अकॉर्डिंग टू योर विल, प्लीज यू नो
आप अपने हिसाब से दो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप चूज कर लो, ठीक है, एंड प्लीज पर्सनली डीएम मी, ठीक है, आई विल टेल यू कि ये सब्जेक्ट लेने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आई विल ऑल्सो टेल यू जहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट रखना ही चाहिए बिकॉज इट विल लिटिल यू नो इट विल ओपन लिटिल बिट ऑफ योर मोर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, बट अगेन HR की जो आपकी जॉब प्रोफाइल्स है दैट इज समथिंग लाइक यू नो HR मैनेजर, ठीक है, HR मैनेजर एक होता है, फिर एक HR एनालिटिक्स करके एक चीज होती है, टैलेंट मैनेजमेंट एक्विजिशन मैनेजर एक होता है, ठीक है, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड नंबर, इसके अलावा आपके पास HR में कहीं ना कहीं और भी सारी चीजें खुलती चली जाएंगी, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली HR मतलब HR को ऐसा लेते हैं, स्पेशली अगर आप IBS से करो, कोई भी कैंपस IBS के आप वहां से करो तो पीपल विल टेक यू कि HR ऐसी चीज है कि जनरल स्किल भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिकॉज आप लोगों को मैनेज ही कर रहे हो, ठीक है, एंड स्पेशली अगर एक रिक्रूटर IBS में आ रहा है तो वो बोलता है कि यार IBS में आके मैं इतनी ज्यादा वैकेंसीज क्यों दूं, ठीक है, क्योंकि HR में हमेशा वैकेंसी थोड़ी कमी खुलती है, दे ऑलवेज वॉन्ट कि हम किसी टॉप नॉच कॉलेज में जाएं, टॉप रिक्रूटर के पास जाएं, टॉप टैलेंट पूल के पास जाएं, ठीक है, हम वहां से बच्चे उठाएंगे, ठीक है, और अपनी कंपनी में डालेंगे। जब आपको IBS वाले प्लेसमेंट के लिए बिठाते हैं, ठीक है, जो भी कैंपस IBS का, ठीक है, वो आपको प्लेसमेंट में बिठाते हैं तो HR वाले कहीं ना कहीं सफर थोड़ा जरूर करते हैं क्योंकि वैकेंसी ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, एक कंपनी होगी, ठीक है, वो आपको मतलब एक बच्चा लेके जाएगी और आप 100-150 बच्चा हो गए HR के, आप सब अप्लाई करोगे, अगर वो अच्छी कंपनी हुई तो सब अप्लाई करते हैं, कोई ताज जैसा अच्छा ब्रांड हो गया, रेडिसन करके कोई अच्छा सा ब्रांड हो गया, ठीक है, कोई डार्विन बॉक्स जैसा कुछ हो गया, यू नो सम गुड कंपनीज विच आर कमिंग विद अ गुड पैकेज, ठीक है, एवरीबॉडी विल अप्लाई एंड द कॉम्पिटिशन विल ह्यूज, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बंदे की सिलेक्ट होने की, वो भी वो देखते हैं कि यार ये बंदा हमारे कल्चर में फिट होगा कि नहीं, कितनी बार ऐसा हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके अंदर वो टैलेंट है बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सिलेक्टिंग यू, दे आर नॉट राइट रेडी टू सेलेक्ट राइट नाउ, दे विल गो आउट एंड चेक आउट सम अदर कॉलेजेस, वहां से देख के आएंगे, अगर उनको वहां कोई मिल गया तो वहां से उठा लेंगे और यहाँ बोल देंगे कि भाई वैकेंसी बंद हो गई है, नहीं मिला तो आपके पास फिर आएंगे, आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस और होगा जिसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे एंड फिर फाइनली यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है, तो HR में ये ना थोड़े स्यापे होते रहते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डोमेन धंधा है या इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, फायदा जरूर मिलता है अगर आप सीरियसली पैशनेट भी हो तो, बट माय सजेशन वुड ऑलवेज बी गाइस प्लीज डू द मेजर माइनर वाला थिंग व्हेन इट कम्स टू HR एंड ऑपरेशंस, ठीक है, यू नेवर नो कि आपके पास कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी कोर HR में, कोर ऑपरेशन में आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं पता, अभी तक IBS हैदराबाद में 200 बच्चे पढ़े हैं और HR और ऑपरेशन वाले मेजर हैं वहां पे, ठीक है, फाइनेंस हो चुका है, मार्केटिंग हो चुका है, ठीक है, सो दिस इज द बिग इशू, अब तक वो बच्चे अप्रैल हो गई है, प्लेसमेंट सीजन कब शुरू हुआ था हमारे कॉलेज में, सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी में हमारा कोर्स खत्म, MBA खत्म, फाइनल एग्जाम देके सारे चले गए थे बच्चे, फिर भी कुछ बच्चे रुके 300-400, इस बार मार्केट रिसेशन था तो ये नंबर ज्यादा है, ठीक है, बच्चे धीरे धीरे सेलेक्ट हुए, कुछ मार्च तक रुक पाए, कुछ अप्रैल तक, मतलब यू नो यू अंडरस्टैंडिंग द गेम, ये नंबर कब तक जाएगा, ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा, ये नंबर में आपका नंबर है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज में आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी होगा, हाउ यू नो हाउ फास्ट यू विल गेट सिलेक्टेड, HR और ऑपरेशन में हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप जल्दी भी हो सकते हो सिलेक्ट अपना कोर्स करते करते, ठीक है, नहीं भी हो सकते, लास्ट में जाके सिलेक्ट होगे चाहे पे जहाँ पे आपके सारे दोस्त जो होंगे ना मार्केटिंग फाइनेंस, ठीक है, कुछ लोग जो HR में भी हुए होंगे जो पहले सिलेक्ट हो चुके होंगे लकीली, वो सारे प्लेसमेंट लेके अपनी जॉब शुरू कर चुके होंगे, अपनी पहली सैलरी का मजा ले रहे होंगे, आप अभी भी वहीं बैठे होंगे, ठीक है, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट टेक द मेजर माइनर वाला पार्ट, मेजर कुछ और रखो, फाइनेंस रख लो या मार्केटिंग रख लो, यूजुअली मैंने देखा है कि HR के बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज थोड़ा खोलना है ना तो मार्केटिंग ले लेते हैं बिकॉज फाइनेंस बहुत हेवी लगती है तो इस चक्कर में क्या होता है कि फाइनेंस नहीं लेते वो लोग और फाइनेंस ना लेके वो कुछ और कर लेते हैं, मार्केटिंग में अपना काम कर लेते हैं, मार्केटिंग ऐसा मेजर रख लेते हैं, सो मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रॉपरली What are those electives जो HR में आपको लेने चाहिए, ठीक है, पर्सनली आई वॉन्ट एवरीबडी टू DM me जो भी HR या ऑपरेशन में इंटरेस्टेड है बिकॉज IBS से HR करने का फायदा तभी है जब आपके पास थोड़े बहुत तमीज के electives हो, ठीक है, और पेशेंस बहुत होनी जरूरी है, अभी तक 200-300 बच्चा पढ़ा हुआ है वहां पे या 200-250 के आसपास कुछ होगा, ठीक है, दीज गाइज आर मेजरली ऑपरेशन एंड HR गाइज, कुछ फाइनेंस के भी हैं, कुछ मार्केटिंग के भी होंगे इधर उधर,
बट मेजर नंबर इज ऑपरेशन एंड एचआर पीपल. ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड कुछ और होगा तो मैं जरूर बताऊंगा. एंड पर्सनली प्लीज डीएम मी. ठीक है, अगर आपका एचआर लेने का मन है तो मैं आपको एक कलेक्टिव्स का लिस्ट दूंगा सब्जेक्ट्स का, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करके बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है. चलो जी, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय.